नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी ऑन इंडिया न्यूज। मैं आपका दोस्त सलमान अहमद, आपकी मोहब्बतों का मोहताज। आज हमारे साथ बैठे हैं कांग्रेस पार्टी के 287 विधानसभा के प्रत्याशी मेजर राणा सिवम सिंह जी। आज हम इनसे खास बातचीत करेंगे कि ग्राम सभा में निकलते हैं तो कैसा इनका व्यवहार है, कैसा जो लोग हैं इनके साथ कैसा व्यवहार करते हैं, पार्टी मतलब अपनी बना पाएंगे, यहाँ ला पाएंगे या नहीं ला पाएंगे। तो मेजर जी, आपका हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जी जी जी, हम जानना चाहेंगे मेजर जी कि आप इतने कम समय में कांग्रेस से टिकट पाए हैं, क्या आप 287 विधानसभा जनता को अपना विश्वास दिला पाएंगे? देखिए, जो अभी आपने बोला कि इतने कम समय में आप टिकट पाए हैं, जी देखिए, हम लोग बहुत पुराने कांग्रेसी हैं। हमारे बाबा जी के ससुर ये सब पुराने कांग्रेसी रहे हैं और बाबा जी हमारे 1980 से लेके 1990 तक जी सांसद रहे हैं कांग्रेस से ही। तो हम लोग के अंदर रग रग में कांग्रेस बसी हुई है, खून कांग्रेस का ही है। तो ये सारी चीज़ें देखती है पार्टी कि आप कितने निष्ठावान हैं पार्टी के प्रति। जब हम लोग विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन कर रहे थे उस वक्त भी हम लोग NSUI से जुड़े हुए थे, तो हम लोग पुराने कांग्रेसी, ऐसा कोई बात नहीं कि बहुत कम समय में ये उपलब्धि हासिल की, ऐसा कोई बात नहीं। मतलब कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है इसे? क्या मतलब? मतलब जब आप इतने कम समय में आए हैं तो कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला है आप सामने? नहीं, देखिए, आपने टिकट की बात करी तो मैं वो बता रहा हूँ। जी जी, रही बात प्रभाव की, तो आप भी रिपोर्टर हैं, आप लोग भी अलग अलग क्षेत्रों में जाते रहते हैं, भी आप लोग भी जाएंगे अलग अलग ग्राम सभाओं में, देखेंगे कहीं किसी भी ग्राम सभा में मेरी चर्चा कर लीजिएगा, फौजी बोल दीजिएगा, मेजर साहब बोल दीजिएगा, ठीक है। तो हम लोग के नाम क्या, हमेशा से कांग्रेस जुड़ी हुई है और चूंकि अब मैं पुराने परिवार से हूं और यहाँ के सारे लोग जानते हैं, तो इसका बहुत अभी आने वाले समय में आपको इसका बहुत अच्छा प्रभाव दिखेगा और दिखना शुरू भी हो गया है। विरोधी अभी ये नहीं जान पा रहे हैं कि सीट कहाँ जा रही है, हवा चल रही है, इनको हवा का झोंका, हवा की आंधी, ये सब 15-20 तारीख तो सब मालूम पड़ जाएगा। राणा जी, ये बताएं कि 287 विधानसभा के कांग्रेस प्रत्याशी रहे भगत राम मिश्रा जी, जो कांग्रेस छोड़कर सभा में चले गए हैं, बहुत सारे नेता जो कांग्रेस छोड़कर ये बोल रहे हैं कि कांग्रेस अब यूपी में नहीं आएगी, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, सबकी अपनी व्यक्तिगत राय है जी। कोई राजनीति करने आता है, किसी पार्टी को ज्वाइन करता है, उससे उस पार्टी को टिकट ना मिले दूसरी पार्टी में चला जाता है, उसको टिकट ना मिले दूसरी पार्टी में चला जाता है, तो ये सब अपने स्वार्थ से लोग आते हैं। हम लोग के साथ ऐसा नहीं है। और रही बात कि कांग्रेस की छवि या कांग्रेस की आप के लिए बोलबाला नहीं है, तो ये मैं नहीं मानता हूँ। कहना क्या आप चाहते हैं कि मतलब जो लोग दल बदल कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए कर रहे हैं? बिल्कुल, मैं कैमरे पे खुला बोल रहा हूँ, अपने स्वार्थ से कर रहे हैं। जी जी, आप पार्टी के प्रति निष्ठावान हैं जी, तो आप रहिए एक दल में जी। आपको ऐसे हिम्मत हारने की क्या जरूरत है, पार्टी तो आपसे चलती है ना। ठीक है, आज हमारा दिन नहीं है, लोगों ने हमको पसंद नहीं किया, इसका क्या मतलब हथियार डाल दें? हम लोग पुराने योद्धा रहे भाई, हम लोग। अच्छा, एक सवाल जो उठ रहा है, योगी जी का बयान आ रहा है जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी हैं इस समय, लव जिहाद के मामले को लेकर आ रहा है, इस पर आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, कहना हमको यही है कि आप योगी जी ही नहीं जी जी, प्रधानमंत्री भी ले लीजिए, तमाम भाजपा के मंत्रियों को ले लीजिए, क्योंकि योगी जी मुख्यमंत्री हैं, इज्जत है उनके प्रति जी जी। लेकिन ये सब चीजें देखिए उठाई जा रही हैं क्योंकि इनके पास मुद्दे नहीं है। ये क्या मुद्दे करेंगे, हिंदू मुसलमान मुद्दा करेंगे, मंदिर मस्जिद मुद्दा कर देंगे, लव जिहाद मुद्दा करेंगे जी। तो ये कोई ऐसा मुद्दा नहीं है। अगर यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट बैठा, अगर कोई अनहोनी होती है तो सुप्रीम कोर्ट है। ये लव जिहाद, इन्होंने तो देखिए जिहाद क्या होता है जी। अगर आप पढ़ेंगे, जिहाद एक धर्म के प्रति कट्टरता को कहते हैं जिहाद। तो यदि इसमें हमें कोई औचित्य नजर नहीं आ रहा है कि आप इलेक्शन का समय है, आप लव जिहाद को लेकर चल रहे हैं, तो ये कोई इसका मतलब नहीं, इनके पास मुद्दे नहीं है किस चीज पे इनको, किस बेस पे इनको इलेक्शन लड़ना है। ये सब पार्टी बिल्कुल बिखर चुकी है, इनको और कुछ नहीं समझ आ रहा है। अभी आप देखते रहिए, अभी वोटिंग तक आते आते भगवान से ये मनाए कहीं दंगा ना हो जाए जी जी। एक बयान आ रहा था सुनील सिंह जी का, आप जानते होंगे शायद, भाजपा में पहले थे, तो उनका ये बयान आ रहा था कि अगर एक मुस्लिम लड़का एक हिंदू लड़की के साथ बलात्कार अगर करता है तो हम 100 मुस्लिम लड़कियों के साथ बलात्कार करवाएंगे, अगर वो नहीं मिली तो उन्हें मैं कब्रों से खुदवा के उनका बलात्कार करवाऊंगा। क्या इससे उनका कथन सही है? देखिए, ये सोच है, अगर किसी की सोच इस तरह की है जी, तो ये नी सोच है, वो किसी भी पार्टी की हो, किसी भी पार्टी की हो, मैं किसी पार्टी के प्रति नहीं कह रहा हूँ,
क्योंकि बलात्कार ये सारे मुद्दे ऐसे हैं कि इनमें कठोरतम कार्रवाई होनी चाहिए, कठोर से कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। यदि कोई नेता इस तरह का, जैसा कि आपने बोला, मैंने तो नहीं सुनाई थी जो आप बता रहे हैं, जैसा कि आपने बोला, अगर ये बयान दे रहे हैं तो मेरे हिसाब से बहुत नीच बयान है, ये देना नहीं चाहिए जिस भी पार्टी के हैं वो। अच्छा राणा जी, ये बताएं कि 287 विधानसभा के वर्तमान विधायक जो कि ये बोल रहे हैं कि अब कांग्रेस इस बार नहीं आएगी, कांग्रेस जीत चुकी है। देखिए, अगर उनकी सारी बातें सच हो जाती तो भगवान ही होते वो जी, जी, जी। लेकिन आपने बोला वो विधायक हैं जी, जी। तो देखिए, बड़े नेता हैं, वरिष्ठ हैं, हम लोग जब छोटे थे तो उनको देखते रहते थे। देखिए, हम किसी पार्टी के किसी व्यक्ति की हम यहाँ पे निंदा करने नहीं बैठे हैं। अगर उन्होंने बोला पार्टी खत्म होगी, ये उनका सोचना है जी। लेकिन आप भी जान रहे हैं 27 को वोटिंग है और इलेक्शन होगा जी, जी, जी। तो किसकी पार्टी खत्म हो रही है, किसकी पार्टी बिखर रही है, तो वही जानेंगे जी, जी। और ये चीज उनको सताने लगा है, जब तक मैं यहाँ पे नहीं था दूसरों को बोलते थे कि वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अब उनके सामने मैं खड़ा हूँ चट्टान जैसा जी। आप लगाइए मेरे ऊपर क्या आरोप लगाएंगे, मैं तो आंख से आंख डाल के बात करता हूँ, सीना तान के बात करता हूँ। आए दिन भाजपा टिप्पणी मार रही है कांग्रेस पर, टिप्पणी कर रही है अब सब बातों से। देखिए, वो टिप्पणी करेंगे, वो दंगा कराएंगे, हिंदू मुस्लिम कराएंगे। हम लोग कांग्रेस के लोग हैं, हम लोग विकास की बातें करेंगे, गांव में चलते रहेंगे, लोग क्या बोलते हैं उनसे फर्क नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है जनता से जो उनको खुद उनको जवाब देगी। हर जगह से आप सुन रहे होंगे, हर जगह से उनका विरोध हो रहा है जी। तो ये सब चलता रहेगा। उन्होंने बोला, अच्छी बात है, हम बहुत वरिष्ठ हैं, उनके बारे में कुछ कहना नहीं चाहता हूँ। जैसा कि आपने बताया भाजपा सरकार हिंदू मुस्लिम कर रही है, यदि कांग्रेस अगर हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है तो फिर राजस्थान में स्कूल से उर्दू शब्द हटा दिया गया, क्या वो मुस्लिम राजस्थान उत्तर प्रदेश से अलग है? देखिए, जो आपने शिक्षा की अभी बात करी जी, अभी मैं यही कहना चाह रहा हूँ, जो आपने अभी ये उर्दू वर्ड हटा दिया गया, देखिए इन सब का एक मैनिफेस्टो बनता है, ठीक है। आप जो भी कहीं भी आप क्लास कर रहे हो, कोई भी चीजें कर रहे हो, तो ये सब शिक्षा से संबंधित होता है। हम आप ये आप बताइए कि हमने कहाँ पे दंगा करवाया और कब दंगा करवाया, कब हमने हिंदू मुसलमान की बात करी? महोदय, हम आपसे आज हमारा दिन है, हमें सवाल करने दीजिए, आप केवल जवाब दीजिए, फिर आपका दिन आएगा, आप सवाल करिएगा जी। जी बोलिए, पूछिए सवाल। हाँ, वही हम पूछना चाह रहे थे, राजस्थान स्कूल मामले में, तो इससे आप क्या कह रहे हैं कि कांग्रेस जैसे बता रहे हैं कि हिंदू मुस्लिम नहीं कर रही है, तो फिर आखिर ये क्या है? नहीं, इससे देखिए हिंदू मुस्लिम से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये पढ़ाई का है, सिस्टम है जी, जी। इससे हिंदू मुसलमान से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हमें नहीं लगता इससे कोई हिंदू मुसलमान पर फर्क पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे नहीं लगता। चलते एक एक मुद्दा है, इस पे हिंदू मुसलमान को हमको करने ही कहना चाहिए। ये बच्चों के एक स्कूल जो विद्यालय है वो भी तो मुस्लिम, विद्यालय एक मंदिर कहते हैं, विद्यालय को एक मंदिर कहा जाता है, तो ये शिक्षा का मुद्दा है, इसको हम हिंदू मुस्लिम ना बनाए, बच्चों का भविष्य खिलवाड़ ना करें, हमारे लिए वही बेहतर होगा। ये मैं भी, क्योंकि मैं शिक्षा को हमेशा महत्व देता हूँ, तो मुझे उस लेवल पे उस बच्चों के लिए हमको भड़काना नहीं चाहिए कि आपके स्कूल से ये हट गया तो ये हो गया। एक सवाल आपसे पूछेंगे कि भाजपा का एक और काला ट्यून आ रहा है कि मतलब 150 करोड़ जनता को मुफ्त वैक्सीन दिया जा रहा है, इस पे क्या कह रहे हैं आप? देखिए, आप ही रिपोर्टर है, आप हर जगह जाते होंगे, हर जगह देखते होंगे, वैक्सीन लग क्या रही है और डेटा क्या निकल रहा है, तो ये सारी देखिए चुनाव का समय है, सब चल रहे हैं, जुमले चल रहे हैं, जो जितना बोल दिया आप 150 करोड़ बोल दीजिए, आप 135 करोड़ बोल दीजिए, कोई चेक करने नहीं, तो 135 करोड़ ही है भारत देश। वही मैं कह रहा हूँ, आप कुछ बोल दीजिए, वही मैं इसीलिए मैं कह रहा हूँ, आप कुछ बोल दीजिए, आप कह दीजिए 135 करोड़ लोगों को लग गया वैक्सीनेशन, कुछ बोल दीजिए, आप डेटा के आपके पास फैक्ट ही नहीं है। आप कोरोना चल रहा है और कोरोना में आप उसको आप कह रहे हैं टेस्ट कम करो कि लोग कम निकलेंगे, तो उसका जब डेटा आपके पास नहीं, तो डेटा की बात तो करना ही बेकार है फिर। अच्छा, ये बताएं राणा जी कि 2017 में कांग्रेस पार्टी समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन किया था, उसके बाद आखिर क्या हुआ जो उन्हें अलग होना पड़ा? देखिए, उस वक्त जो गठबंधन हुआ था, शीर्ष नेतृत्व ने उसका फैसला लिया था जी, जो कि हम लोग के अनुसार जो सोचा था वो नहीं हो पाया, तो इस बार दोनों पार्टियों ने फैसला किया कि अपने अपने लेवल पे अपने अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, अपने अपने प्रत्याशियों को चुनाव लड़ाएंगे जी। इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि पहले लिया अभी क्यों नहीं लिया, ऐसा कुछ नहीं, वो नेतृत्व रहता है, जो उनका फैसला था उन्होंने पिछली बार, उनको लगा कि एक साथ होके करना चाहिए, जिसका हम लोग को रिजल्ट नहीं मिला वो फैक्ट है। और अभी 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 हम एक हफ्ता पहले हम राजस्थान गए थे, तो सर वहाँ हमने देखा कि कांग्रेस सरकार राजस्थान में है, तो वहाँ क्या जनता के साथ कितना काम किया है, कैसे काम किया, व्यवहार क्या है, वो आप बता सकते हैं? आप वहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्था देख लीजिए जी, ठीक है। अपराध, देखिए अपराध एक ऐसा वर्ड है कि आप अपराध खत्म कोशिश करते हैं, लेकिन अपराध घटनाएं बढ़ती रहती हैं, घटती रहती हैं, तो अपराध की अगर आप पिछले रिकॉर्ड से देखेंगे तो अपराध की घटनाएं घटी हुई हैं वहाँ पे, ठीक है।
शिक्षा के प्रति उन्होंने जागरूकता करी है, काफी स्कूल्स में उन्होंने अपनी अच्छी फैसिलिटीज दी है बच्चों के लिए, स्कूल्स को सुधारा है। बाकी आप गांव में चले जाइए तो इंफ्रास्ट्रक्चर सब कुछ इन्होंने मतलब किया है अपने हिसाब से जितना कर पा रहे हैं। अच्छा, भाजपा का एक नारा आ रहा है कि जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे 2022 में फिर से भगवा लहराएंगे, क्या इस पे असर कोई पड़ने वाला है? नहीं, राम मंदिर मुद्दा को लेकर नहीं, राम जी को दशरथ जी लाए थे। जी जी जी, है ना, राम जी को तो दशरथ जी लाए थे, और अभी अगर वो राम जी को लाए है तो फिर हो सकता है राम जी से ही बड़े हो वो। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये सब हंसी के पात्र हो गए ये लोग। और आप एक बार कोशिश कीजिएगा कि जो जय श्री राम चिल्ला रहे हैं, जी जी जी, मैं नाम नहीं लूंगा, मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं, लखनऊ में रहते हैं, बहुत पुराने स्वयं सेवक हैं, जय श्री राम देखेंगे जरूर, जय श्री राम का नारा लगाते हैं जी। नाम नहीं लूंगा उनका, बड़ी बेइज्जती हो जाएगी उनकी जी, जी, जी। तो हम लोग ऐसी बात कर रहे थे, वो हनुमान चालीसा नहीं सुना पाए, हम लोग ऐसी आपस में बैठ के बात हंसी मजाक चल रहा था। तो देखिए, जय श्री राम कब आप लेते हैं? जय श्री राम आप तब लेते जब आप नहा धो के आते हैं, पूजा करने बैठते हैं। ये नहीं होता आपने खाना खाया जय श्री राम बोल दिया, मीट मछली खाया जय श्री राम बोल दिया। क्यों? क्योंकि भैया हम भगवान में लिपटे हुए हैं। ठीक है, मैं फौज का हूं, मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं जो कि लोग नहीं जानते होंगे। फौज में जो मंदिर होता है, जो मस्जिद होती है, जो गुरुद्वारा होता है, उसको हम बोलते हैं सर्वधर्म स्थल जी। मैं जम्मू एंड कश्मीर राइफल्स का हूं, तो जो हमारा जो जहां पे हम लोग पूजा अर्चना करने जाते हैं, गुरबानी पढ़ने जाते हैं, हमारे मुस्लिम भाई लोग नमाज पढ़ने जाते हैं, तो वहां पे लिखा होता है सर्वधर्म स्थल, बीच में दुर्गा जी की फोटो, उनके दाहिनी तरफ गुरु नानक जी की फोटो, उनके बाईं तरफ मक्का मदीना की फोटो, मंदिर के ऊपर जहां ओम लिखा हुआ वहां पे कृष्ण का क्रॉस। इसको क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे इसको क्या कहेंगे? ये आपको कोई नॉर्मल बंदा नहीं पता पाएगा जी जी। मैम, एक समानता का बात वहाँ है आपके वहाँ, क्या कहते हैं आप इसको? ये एक सर्वधर्म की तरह वहाँ सबका सम्मान है जी जी। और वहाँ बैठा कौन है? देशद्रोही बैठे हैं? नहीं, देश को बचाने वाले कौन बैठा है? देश भक्त बैठे हैं जी जी, देश भक्त बैठे हैं। ठीक है ना, देश भक्त बैठे हैं जी। और जो ये चिल्ला रहे हैं कि हम हैं असली देशभक्त, मैंने आपको ये चीज बता दिया, अब मैं आपके ऊपर फैसला छोड़ता हूँ, देशभक्त कौन है? वो जो वहाँ पे बैठे हुए सर्वधर्म स्थल में अपने सामने, वो देशभक्त है या जो अपने आप को चिल्ला चिल्ला के बता रहे हैं कि वो देशभक्त हैं? ये फैसला आपको करना है, ये फैसला जनता को करना है, जनता को करना है, ये फैसला जनता पे छोड़ते हैं क्योंकि वही करेगी। अच्छा, ये आप बताएं कि रिटायरमेंट आपकी कब हुई, मतलब आप किस सन में हुए? देखिए, रिटायरमेंट हुआ 2019 में सितंबर में जी, जी। पहले मेरा रिटायरमेंट का कोई प्लान नहीं था जी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली आई लॉस्ट माई यंगर ब्रदर जी। 2016 में मेरे छोटे भाई की डेथ हो गई थी, तो उसके बाद माता पिता की भी कंडीशन हेल्थ वाइज थोड़ी डिटोरिएट हो रही थी। सर, 2019 में जब आप रिटायर किए तो उसमें तो भाजपा सरकार थी, तो इससे पहले आप कांग्रेस सरकार भी थी, तो भाजपा सरकार में आपको बेटर लगा कांग्रेस सरकार में? देखिए, सबसे पहली बात मैं आपको एक चीज ये बता दूं जी कि फौज अपने तरह से काम करती है जी। जितना भी 2014 के बाद बताया गया है कि मैंने ये हमला करा दिया, वो हमला करा दिया जी, मैं कॉन्फिडेंशियल चीजें नहीं बोलूंगा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई जी, जितना इसका प्रोपोगेंडा बनाया गया जी। तो ये मैं बड़ा मतलब अचंभित होता हूँ कि इतनी कॉन्फिडेंशियल चीज लोग अपने, वो भी लोग अपने प्रचार में बता रहे हैं, ये सब चीजें बताने की नहीं होती हैं। और मैं बस इतना कहना चाहता हूँ कि सर्जिकल स्ट्राइक कोई पहली बार नहीं हुआ है, पहली बार उसके पहले भी हो चुका है, लेकिन ये सारी चीज पब्लिक के सामने नहीं ले जाती है। फौज कुछ उसूल होते हैं, आपकी राष्ट्र सुरक्षा का मामला है, तो ये सारी चीजें होती है, और फौज किसी के कौन सी सरकार आ रही है, कौन सी सरकार जा रही है, तो उसके ऊपर नहीं, फौज का अपना काम है, आप उसको अपना काम करने दीजिए। हाँ, आप जब फौज के ऊपर प्रेशर डालेंगे, तो कैजुअलिटीज होंगी। नहीं सर, कुछ तो लगा होगा आपको कि उस सरकार में बेटर है, इस सरकार में थोड़ा। मैं आपको भाई उसी पर आ रहा हूँ, जब आप सरकार पे प्रेशर डालेंगे तो कैजुअलिटीज ज्यादा होंगी। प्रेशर समझ रहे हैं जी, जी, जी। कि हमको दिखाना है कि भैया फौज काम कर रही है जी, तो मतलब मेरे ऊपर प्रेशर डाल रहे हो जी। हाँ। मैं काम तो अपना कर रहा हूँ, लेकिन आप प्रेशर डाल रहे हो, उस प्रेशर में क्या होगा? थोड़ी बड़ी कहीं कहीं कुछ आपकी कैजुअलिटीज बढ़ेंगी जी, जी। उठा के डेटा देखिए 2014 के बाद, 2014 के पहले कैजुअलिटी ज्यादा थी अपने फौजियों की कि 2014 के बाद हुई है जी। सर, एक और सवाल करना चाहेंगे कि कई सालों से कांग्रेस के प्रधान नेता राहुल गांधी जी, जिनको पप्पू कह के कहा जा रहा है, आखिर पप्पू क्यों कहा जा रहा है? देखिए, ये सब बड़ी ओछी राजनीति है, बहुत तुक्ष राजनीति है जी।
ऐसे तो हम ये भी कह सकते हैं कि जुमले वाले बाबा हैं जी 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 ना जी, दंगे वाले बाबा हैं, तड़ीपार वाले बाबा हैं, चिलम वाले बाबा हैं, लेकिन ये सब देखिए हम लोग नहीं कहते हैं, सब ठीक है, नेता हैं, हम फौजी हैं, कहते भी जा रहे हैं, नहीं कहते हैं जी सर। मैं आपके बात का उत्तर दे रहा हूँ जी जी जी, आपने बोला मैंने उसका उत्तर दिया जी, लेकिन देखिए ये सब हम लोग के लिए ओछी राजनीति है, इस सब की बात हम लोग करते ही नहीं है, ये सब ये सारी चीजें बरगलाने वाली हैं। हंसी आपके पास जब कुछ नहीं होता है, कभी आप ऐसे व्यक्ति के पास जाए जिसके पास जानकारी नहीं होगी, आप उससे बोले थोड़ी देर बैठेगा फिर हा हू हू करके चला जाएगा, तो ये सारी चीजें देखिए वही वही हमने बताया जी, जी, जी। आपके मुंह से जुमला निकलेगा तो जुमले वाले बाबा हो जाएंगे जी, जी। वो तड़ीपार वाले बाबा हो जाएंगे, चिलम वाले बाबा, तो सब चलता रहता है जी, जी, जी। अच्छा राहुल गांधी जी का एक बयान और आ रहा है कि आलू डालो सोना निकालो, इसका मतलब क्या है? अब आपने बोला लोग भी मेरे को सुनेंगे जी जी, मैं उनसे ये रिक्वेस्ट करूंगा कि यूट्यूब पे आप ये वाला वीडियो डालिए और इसमें लिखिए फुल वीडियो विदाउट एडिटिंग, आपको इसका आंसर मिलेगा, मैं नहीं दूंगा इसका आंसर, आपसे हम जानकारी मैं नहीं, आप यूट्यूब पे बोलिए, अब इसका जो जवाब है आपने जो बोला आपने इसका मतलब आपने भी आधा बयान सुना, मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप भी पूरा इसका पूरा बयान सुनिएगा, उसमें क्या है मैं नहीं बताऊंगा अपने मुंह से, हमें जो सुना हमने जो देखा वो तो अलग चीज है, मैं आपकी राय जानना चाहता हूँ, आप उसमें बयान दीजिए वो कहना क्या चाह रहे थे। ये चीज देखिए एडिट करके चीजें आजकल जो मीडिया सोशल मीडिया चली है इसमें आप कुछ पूरा दिखाते नहीं है, आप कहीं से कुछ कट कर देते कहीं से कुछ कट कर देते हैं, इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जितने भी लोग यहाँ बैठे हैं जो भी मुझे सुन रहे हो ये स्वयं यूट्यूब करें, जो आपने बोला आलू सोना मशीन आपसे कितना लगे आलू सोना मशीन पूरा वीडियो विदाउट एडिट आपको आंसर इसका मिलेगा जी जी। अच्छा आप तो देश के रक्षक थे, आप बॉर्डर पे थे, तो ये बताया आजादी है कि एंकर आप जानते होंगे एंकर का क्या नाम था शायद कंगना रनौत जो बोले कि तो जो हमें आजादी मिली थी 1947 की वो भी की थी 2014 के बाद हमें आजादी मिली, मतलब भाजपा आने के बाद हमें आजादी मिली, इस पर आप क्या कहेंगे? इस पर हम यही कहेंगे कितने पढ़े लिखे लोग इतने बड़े लोग जिन्होंने शिक्षा ग्रहण करी और मूवी चले गए इस तरह की हरकत जो करते हैं तो हमारे देश का अपमान है, इसमें कहना क्या है, मैं फौजी हूँ गुस्सा लगती है, अपमान कर रहे हैं किसका अपमान कर रहे हैं आप, भगत सिंह का अपमान कर रहे हैं जी, किसका जी, अपमान जी, कर रहे हैं आप, जो उन लोगों ने बलिदान दिया उनको वो बता रहे हैं कि भीख है, भीख की वही 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 मैं कह रहा हूँ कि ये तो छोटा छोटा बच्चा जानता है किस तरह से हम लोग ने आजादी ली, क्या क्या हम लोग ने बलिदान दिए जी, 15 अगस्त आप क्यों मनाते हैं जी जी, है ये तो छोटा छोटा बच्चा जानता है, अगर इस तरह के बेहुदे बयान दे रहे हैं तो फिर वो बेहुदे बयान के लिए उस पर कोई डिस्कशन की जरूरत नहीं, उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रही है, उन्होंने बयान दिया कोई कार्यवाही भी नहीं हो रही है, वो साथ में बीच बीच में भव्य की बात कर देते हैं ना जी, तो कुछ हमारे जो सरकार मौजूदा सरकार है जो देशभक्त सरकार है वो शायद सही नहीं समझती है उनको सजा देना। अच्छा सर एक कांड हुआ था अभी लखीमपुर खीरी में, आप जानते होंगे कि हमारे जो टेनी साहब हैं उनके सुपुत जी किसान भाइयों पर गाड़ी चढ़ा के उसके बाद टेनी जी का पत्रकारों के साथ अभद्र व्यवहार कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे जो कि एक पार्टी के हैं? उस पर मैं यही कहूंगा कि कम से कम आप पत्रकार भाई लोग तो साथ दो, आप लोग साथ दे रहे हैं हर जगह साथ दे रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन जब तक आप लोग आवाज नहीं उठाएंगे जिसके ऊपर शोषण हो रहा है, जब तक वो आवाज नहीं उठाएगा तब तक लोगों तक आवाज कैसे पहुंचेगी, फिर तो जी हजूरी वाली करने की बात हो गई, सारे नेता चुप थे जी। अखिलेश यादव घर में सो रहे हैं कि भाई हम तो सुबह निकलेंगे, सुबह रवाना होंगे लखीमपुर खीरी के लिए, हमारी आदरणीय प्रियंका जी रात में ही चली जी, उनको सीतापुर में रोक दिया गया जी, उनको सीतापुर में जबरन जेल में डाल दिया गया जी, तो ये देखिए इसी को क्रांतिकारी कहते हैं, जब आप कुछ किसी अनहोनी घटना की आप जब आवाज उठाते हैं जी जी, और उसके ऊपर आपको धन बल सब बल प्रयोग करके आपको साम दाम दंड भेद का प्रयोग करके आपको किसी जगह रोका जाता है किसी जगह स्थिर किया जाता है, तो ये अपनी नाकामियां छुपाने वाली बात होती है, ये वही चीज है नाकामियां छुपाने वाली बात। उनके लड़के ने क्राइम कमिट किया जी, आप मीडिया भाई उसको दिखा रहे हैं जी जी, तो आप क्या क्राइम कर रहे हैं? कुछ नहीं कर रहे हैं क्राइम, कर रहे हैं आप सही दिखा रहे हैं जी, क्राइम किसने किया जिसने किया उसके बारे में दिखा रहे हैं जी, तो सही बात है भाई, झुंझलाएगा ही वो कुछ नहीं कर पा रहा है, आप उसको सच दिखा रहे हो सच तो लोग भागते हैं जी, सच आप बोलिए भागते हैं। अच्छा प्रियंका जी का एक नारा आ रहा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, और लड़कियों को टिकट दे रहे हैं, तो क्या लड़की को टिकट दे रहे हैं वो जीत पाएंगे अपना प्रथम लहरा पाएंगे? अभी देखिए अब आपने अगर ये क्वेश्चन किया है तो इसका मतलब कहीं ना कहीं आपके मन में भी लड़कियों को लेकर डाउट है, ये सर नो एक आप मेरे से पूछ रहे हैं सर जी, आप मेरे से पूछ रहे हैं जी, लेकिन एक सिर्फ सवाल मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि आपने चुकी है बोला कि क्या वो कर पाएंगी, तो क्या मतलब है कि आपके इस सरकार में बताया जा रहा है कि लड़कियां बहुत सुरक्षित हैं, तो इसीलिए हम आपसे पूछ रहे हैं कि क्या परचम लहरा पाएंगी, लड़कियों को टिकट दिया जा रहा है
देखिए लड़कियों को टिकट दिया जा रहा है, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जहाँ जहाँ भी महिलाओं को या लड़कियों को टिकट दिया गया है एक बार आप वहाँ जाके सर्वे करिए। जब हर चीज में बराबरी में है, इसमें भी बराबरी कर रही है वो, इसमें बल्कि वो आगे चल रही है हम सब लोगों से, ठीक है। आप किसी भी विधानसभा में जाइए जहाँ पे महिला या कोई लड़की लड़ रही है, वहाँ का सर्वे करिए, आपको बिल्कुल फर्क दिखेगा और डंके की चोट में फर्क दिखेगा बिल्कुल। भाजपा सरकार बता रही है कि बिल्कुल लड़कियां इस सरकार में सुरक्षित हैं, निडर निकल सकती हैं, कहीं भी आ जा सकती हैं। हाँ बिल्कुल आ जा सकती हैं, लेकिन आप बचे रहिएगा, किसी लड़की को कोई पुलिस वाले चिता पे लिटा के पेट्रोल डाल के आग न लगा दें। जी कहना क्या आप चाहते हैं सर, कहाँ का मामला आप बताना? देखिए जहाँ की गोली है वहाँ का मामला है, ठीक है, या आप भी जान रहे कहाँ का मामला है। तो वही मैं कह रहा हूँ कि जितनी घटनाएं हो रही हैं लड़कियों के प्रति हो रही हैं, तो जो ये नारा है लड़की हूँ लड़ सकती हूँ, ये हम लोग ने जब क्षेत्र में, मैं आपको बताऊं अभी जब जैसे हम लोग ने यहाँ पे विधानसभा में चलना स्टार्ट किया, जब ये नारा आया, आप दोबारा जब मैं गया तो वहां पे उन्हीं लड़कियों में जोश था, ठीक है ना। आपको उनको बताना पड़ेगा कि भाई तुम लड़की हो ठीक है, लेकिन लड़ सकती हो, तुम्हारे पास ताकत है, अपने हक के लिए लड़ सकती हो। अगर कोई आपको कुछ बदतमीजी आपके साथ कर रहा है तो भगवान ने आपके भी हाथ पैर दिए हैं, आप चला सकते हैं उसको। सब कुछ हम सरकार के भरोसे छोड़ देंगे तो कुछ नहीं होने वाला है, ठीक है सर। सर एक और लास्ट सवाल बताएं कि सर इस सरकार में लोग बता रहे हैं, जो भाजपा सरकार बता रही कि और जनता भी इस पे कह रही है कि इसमें महंगाई, जो महंगाई को लेकर मुद्दा उठा रहे हैं कि इसमें महंगाई बहुत है, जनता बोल रही है सर, इसमें आप महंगाई के बारे में क्या बताएंगे आप? ऐसा जनता में हम और आप ही आते हैं, आप क्या बताते हैं इस बारे में? हम सही बात है, महंगाई डायन खाए जाते हैं। आपने कभी सोचा था कि कभी 100 रुपए का डीजल होगा? मैंने तो नहीं सोचा था, मैंने नहीं सोचा था, सही बता रहा हूँ आपसे। अपनी गाड़ी में डीजल डलाया, 40 लीटर डीजल आया, 4,000 रुपए हुए जी। तो भाई लगता तो है दिल में महंगाई लग रही है सबसे ज्यादा। देखिए महंगाई किसको लगती है जी। मैं तो फौजी हूँ, ठीक है, जी। आर्मी ऑफिसर था मैं जी। फौज छोड़नी पड़ी पारिवारिक कारण जो मैंने आपको बताया उसकी वजह से, मुझे तो पेंशन भी लागू नहीं है, ठीक है जी। तो जिसके पास जो इस टाइप के लोग हैं, जो मिडिल क्लास लोग हैं, उनको दिक्कत हो रही है, बिल्कुल दिक्कत हो रही है जी। ऐसा आपके मन में कैसे विचार आया आप राजनीति में कदम रख दिए? देखिए हमने आपको जब आपने इंटरव्यू शुरू किया था तो मैंने बताया था कि मेरे जो ग्रैंडफादर थे जी, वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट मतलब, थे, मतलब पुरखातन से चली आ रही है। बिल्कुल पुरखातन चली आ रही है। अच्छा राणा जी ये बताएं कि आप जब जनता प्रयागपुर की जनता आपको यद विधायक के रूप में चुनती है तो आप उनके लिए क्या करेंगे? देखिए सबसे पहली चीज जब मैं यहाँ पर आया जी, तो पंजाब ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, जम्मू एंड कश्मीर ले लीजिए, हिमाचल ले लीजिए, वहाँ क्या आप किसी भी गांव में चले जाइए, कहीं ना कहीं लड़के फौज में रहते हैं जी। हमारे यहाँ के लड़कों में फौज के थोड़े से जागरूकता की कमी है, जो तैयारी कर रहा है उसको सही तैयारी का नहीं मालूम है कि तैयारी क्या करना चाहिए। देखिए मेरा सबसे बड़ा जो मैंने अपने लेवल पे सोच रखा है, मतलब सरकार तो ठीक है सरकार की योजनाएं आएंगी वो हम पहुंचाएंगे, लेकिन जो मैंने अपना पर्सनल सोच रखा है, पर्सनल मुझे एक प्रयागपुर अपना विधानसभा में एक ऐसा इंस्टीट्यूट खोलना है, एक ऐसा सैनिक इंस्टीट्यूट खोलना है कि जहाँ पे नए लड़के आ सकें, जिनको मैं गाइड कर सकूं अपने हिसाब से कि फौजी बनना है तो भाई उसके लिए क्या करना है, आपको क्या चाहिए, आपकी मेडिकल रिक्वायरमेंट्स क्या है, आपके पास शैक्षिक योग्यता क्या होनी चाहिए, आपको मेंटली प्रिपेयर कैसे करना है। तो जो आपने मुद्दा पूछा ये अच्छा सवाल था, जगह हल्का बता रहा हूँ, मेरा प्रथम मतलब अगर आप मेरा कहेंगे कि एक अपनी प्रायोरिटी बताए तो मेरा प्रायोरिटी ये है कि यहाँ के युवाओं के लिए सोच, युवाओं को यहाँ पे हमको फौजी एक बार आप बन गए जी। देखिए जब एक आदमी फौजी बनता है ना उसका पूरा परिवार से कई पीढ़ियां सुधर जाती हैं सिर्फ डिसिप्लिन की वजह से। एक बार जिस एरिया के लड़के फौज में आ गए फिर मेरे को हाथ नहीं रखना है, फिर देखते देखते आप देखेंगे अपने आप की विधानसभा की कायाकल्प कैसे होगी। सर प्रथम नौ युवकों को आप बॉर्डर पर ले जाएंगे, उनको देश के सेवा के लिए तैयार करेंगे जी, यही कहना आपका? तो क्या इसमें कोई बुराई है क्या? जी कोई भी नहीं, वही हम सोच रहे हैं कि आप सर प्रथम युवाओं के लिए सोच रहे हैं। देखिए जो खून वतन के काम आए इससे बड़ा सौभाग्य नहीं होता है कोई जी। कोई सौभाग्य नहीं होता है जी, जी। जो गोलियां कान के बगल से निकलती हैं उससे अच्छी कोई धुन नहीं होती है, ठीक है ना जी। और जब आप देश की रक्षा कर रहे हैं तो बड़ा कई लोग हमको मिलते हैं कि ऐसे पूछने वाले कि यार देश की रक्षा जाएगा तो शहीद हो जाएगा, अरे ऐसा कुछ नहीं भाई, फौजी ट्रेनिंग है आपको शहीद नहीं होने देगी, इतनी आसानी से फौजी शहीद नहीं होता है। देखिए ये थे मेजर राणा शिवम सिंह जी, जो एक मेजर होते हुए इनके अंदर इतना जज्बा है देश के प्रति, इतना जज्बा है कि अब देखने लायक आप स्वयं देख सकते हैं।
ये मेजर राणा शिवम सिंह जो कांग्रेस पार्टी 287 विधानसभा से प्रत्याशी है और ये अपना इस समय भरपूर मेहनत कर रहे हैं, ग्रामीणों से मिल रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी मत जान रहे हैं, कैसे क्या हो रहा है। तो आप भी देखते रहिएगा टीवी ऑन इंडिया न्यूज के साथ, जो सलमान अहमद आप सामने बैठे हैं आप देखते रहिएगा, अपनी राय भी बताइएगा कि इस बार हाथी आएगी या सपा आएगा, साइकिल आएगी या बीजेपी आएगी या पंजा आएगा, कौन आएगा आप कमेंट में जरूर बताइए। सलमान अहमद के साथ फिर उभरे होंगे अगले खबरों के लिए, धन्यवाद।